हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अदर वीडियो ऑफ काउंसलिंग। आई एम वैभव, मेडिकल स्टूडेंट एट एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज न्यू दिल्ली। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो आईपीयू ने अपना नया नोटिस निकाला रिगार्डिंग राउंड टू के शेड्यूल के रिगार्डिंग। तो इसमें मैं पूरे नोटिस एक्सप्लेन करूंगा कि उन्होंने क्या शेड्यूल बताया, रिजल्ट कब आएगा, है ना। जैसे कि मैंने आपको पहले प्रीवियस वीडियो में भी कहा था कि जो रिजल्ट, जो ये नोटिस है वो 20 के आसपास आ सकता है, तो ये 17 को ही आ गया है, ठीक है। तो इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा। और जैसे कि आप लोग कह रहे थे कि टेलीग्राम ग्रुप के लिए, तो मैं आपको कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे मैंने अपने सोशल मीडिया के हैंडल शेयर किए हैं, जो लोग मेरे से पर्सनल वन टू वन बात करना चाहते हैं वो लोग वहाँ पर फॉलो कर सकते हैं मुझे, है ना। जिसको ज़रूरत है वो फॉलो कर लेना, ठीक है। चलो अब आगे बात करते हैं हम लोग कि इन्होंने शेड्यूल कब का कब दिया है। तो आपकी जो काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है वो 18 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है सुबह 11 बजे से, और 21st ऑफ अगस्त को ख़त्म होगा ये रात को 11 बजे तक, ठीक है। आपके अंदर दो चीज़ बढ़नी होगी आपको इसके अंदर, एक तो काउंसलिंग फ़ीस और रजिस्ट्रेशन फ़ीस। बहुत लोग डीएम कर रहे थे कि उन्होंने ये काम नहीं किया इस बार, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ आपको, दोनों भरनी है, रजिस्ट्रेशन फ़ीस प्लस काउंसलिंग फ़ीस दोनों भरनी है, ठीक है। तो ये काम आप ध्यान से कर लीजिएगा, ठीक है। आपको प्रॉपर भरनी ही भरनी दोनों फ़ीस, ठीक है। एक फ़ीस भरने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो आपका रिजल्ट का कोई फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। और इन्होंने बताया कि जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वो 18 तारीख से ही चालू हो जाएगा सुबह 11 बजे से, पर ये रहेगा 23 तारीख तक 11:30 बजे तक, ठीक है। तो जो भी कैटेगरी वाले लोग हैं, जो EWS, OBC, ST, SC, डिफेंस, PWD, ठीक है, उनके जो सर्टिफिकेट्स वेरिफिकेशन हो गए 23 तक मैसेज आ जाएगा। अगर मैसेज नहीं भी आता है तो आप एक बार पोर्टल चेक कर लीजिएगा अपना, और डिस्पेंसरी होगी तो वहाँ पर शो कर जाएगी, ठीक है। देन आपको फिर मौका दिया जाएगा चेंज करने का, एडिट करने का, ठीक है। अब चॉइस फिलिंग जो स्टार्ट होगी वो होगी इसकी 21st ऑफ अगस्त से सुबह 11:30 बजे से, और रहेगी 23rd ऑफ अगस्त तक रात को 11:30 बजे तक, ठीक है। और जो आपका रिजल्ट है वो 28th ऑफ अगस्त को आएगा, जो कि थोड़ा लेट हो सकता है, ठीक है। बताऊंगा अगली वीडियोस में इसके बारे में, ठीक है। और यहाँ पर जो विलिंगनेस आप अपनी सबमिट कर सकते हैं रिजल्ट आने के बाद, कि आपको कॉलेज लेना है नहीं लेना, ठीक है, रिपोर्टिंग वगैरह ये सब, तो ये विलिंगनेस आपको सब करनी है 1 तारीख को रात को 11:50 तक, ठीक है। फिर आप एक तारीख को आपने सोच लिया कि आपको क्या करना है, ठीक है। देन आप वहाँ पर उससे पहले आप 6,500 रुपये पे करेंगे, देन अपना अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड करेंगे। देन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद आप लोग क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे कॉलेज इंस्टीट्यूट जो भी है 4 तारीख तक की डेट है उसकी, ठीक है। 31 तारीख से लेकर 4 तारीख तक की डेट दे रखी है। देन अगर आपको विड्रॉल ऑफ एडमिशन करना है तो क्या करेंगे आप लोग, अपना 6,500 रुपये जो आपने पे किए हैं, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। देन उसके बाद इसमें लिखा है कि कैंडिडेट्स मस्ट बी फ्रॉम 11th 12th फ्रॉम दिल्ली से किया होना चाहिए, जो आपका मेन है, ठीक है। और 85% कोटा, जो इसमें तो 3 कॉलेज आ रहे हैं, NDMC मेडिकल कॉलेज एंड हिंदू हॉस्पिटल न्यू दिल्ली, डॉक्टर BSA मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज। आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज की 100% सीट यहीं से फिक्स है, और जो 85% जो स्टेट कोटा के लिए सीटें होती हैं NDMC और BSA की, वो यहीं से होगी। और जो RML VMMC के जो IP कोटा की जो सीट्स हैं वो सारी किससे भरी जाती हैं, थ्रू MCC कोटा के थ्रू भरी जाती हैं, ठीक है। तो इसमें ये पूरा नोटिस में ही लिखा हुआ है। जो लोग आर्मी बैकग्राउंड से हैं, जिनका कुछ आर्मी डिफेंस में कोटा है, तो वो लोग अपना अपेंडिक्स यहाँ पर लिखा हुआ है, अपेंडिक्स 9A, 9B, 9C, एक बार वो आपको फिल करना है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपको, जो EWS सर्टिफिकेट होना चाहिए गवर्नमेंट ऑफ NCT या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, दोनों से क्या होना चाहिए, आपका एलिजिबल होना चाहिए 31st मार्च से 2023 से आगे का होना चाहिए, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर जो होता है, ठीक है। उसके बाद जो OBC कैटेगरी होना चाहिए वो दिल्ली का होना चाहिए, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं कर सकते। डिफेंस वालों के लिए अपेंडिक्स 1 भी देख लीजिएगा एक बार, ठीक है, और अपेंडिक्स 9A, 9B, 9C तो आपको देखना ही देखना है, ठीक है। और कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, वही 11 और 12 दोनों दिल्ली से की होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि 11 आपने कहीं और से किए, 12 कहीं और से किए, नहीं नहीं चलेगा, 11 और 12 पूरी दिल्ली से करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको दे रखा है कि आपको वही रजिस्ट्रेशन प्रॉपर करना है आपको, ठीक है, काउंसलिंग फीस भी भरनी है और आपको रजिस्ट्रेशन फीस भी भरनी है, ठीक है। देन आपको 1,000 रुपये और 1,500 रुपये दो बार बनने, ठीक है, एक बार 1,000 रुपये, एक बार 1,500 रुपये, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि बहुत लोगों से गलती होती है, गलती सुधारने का मौका इस बार नहीं मिलेगा, पहले ही बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो प्लीज़ भर लेना, ठीक है यार। अब रिजल्ट किसका अलॉट होगा, ठीक है, अब इसमें ये इन्होंने IPA ने साफ साफ क्लियर कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है, आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है, इस रिगार्डिंग, और कन्फ्यूज़न की कोई बात भी नहीं है, ठीक है। इन्होंने कहा कि जो लोग कैंडिडेट्स या तो अपनी रजिस्ट्रेशन फीस को नहीं भरते बट काउंसलिंग फीस को भर देते हैं, तो उन लोगों का रिजल्ट नहीं आएगा, या तो फिर वो लोग जो रजिस्ट्रेशन फीस को भर देते हैं पर काउंसलिंग फीस को नहीं भरते, उनका रिजल्ट नहीं आएगा। मतलब आपको दोनों फीस भरना जरूरी है तभी रिजल्ट आएगा। आफ्टर दैट, आपने दोनों फीस तो भर दी, उसके बाद आपको चॉइस फिलिंग करना भी जरूरी है। अगर आपने कोई भी चॉइस नहीं भरी है तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है, ठीक है। और इसमें बोला हुआ है जो कैंडिडेट्स राउंड वन में जो एनरोल थे, उन लोगों का क्या है कि जो वो लोग क्या करेंगे, उन्होंने 60,000 फीस नहीं भरी थी या फिर उन्होंने अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया था, तो
उन लोगों के केस में वो लोग क्या करेंगे, वो आगे काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। पर वो लोग जरूर पार्टिसिपेट, मैंने आपको सारे क्राइटेरिया बता दिए हैं कि आप लोग किस किस केस में आपका रिजल्ट शो नहीं करेगा, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, जो आपका रिजल्ट है, ठीक है, वो आपको अपने पोर्टल पर देखना है, जो कि लॉगिन करेंगे तो उसमें आ जाएगा, ठीक है। और आपको अपना प्रिंट करना है प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, जो आपका होगा। देन उसके बाद आपको क्या करना है, देन आगे के प्रोसेस करने हैं सब कुछ, जो 1,500 रुपये करने हैं, देन वो कॉलेज में रिपोर्ट करना है, वो आप कर लेंगे, ठीक है। यू हैव टू चूज यार फ्रीज या फ्लोट का ऑप्शन जरूर चूज कर लेना, कुछ एक्टिविटी जरूर दिखाना है, तो आप काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे, ठीक है, ये जानना है आपको, ठीक है। जो लोग अपनी सीट को विड्रॉल कर लेंगे वो अपने पैसों को वापसी आफ्टर ऑनलाइन काउंसलिंग खत्म कर सकते हैं, या फिर जिन लोगों को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई आपके पैसे वापसी आ जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑनलाइन राउंड्स, ठीक है। आपको रिपोर्ट करना है वही कॉलेज के अंदर, वो सब बातें बता रखी हैं इसके अंदर, नोटिस के अंदर, ठीक है। और ध्यान रखना यार, इन्होंने एक बात और बोली है, जो BSA NDMC के जो पूरा एडमिशन स्टाफ है, कि वो लोग जो लोग कैंडिडेट्स फर्स्ट राउंड वाले जिनको सीट अलॉट हुई थी, किसने रिपोर्ट किया किसने रिपोर्ट नहीं किया, क्योंकि इस बार क्या करेंगे, जो जिन लोगों ने रिपोर्ट नहीं किया कॉलेज में, ठीक है, उन लोगों का वो ये राउंड 2 में पार्टिसिपेट नहीं करने देंगे, और जो लोगों ने कोई एक्टिविटी नहीं दिखाई है, जैसे मैंने बोला, तो यहाँ पर सीट ब्लॉकिंग के चांस बहुत कम हो गए। बाकी बताऊँगा अगले वीडियो में कि सीट ब्लॉकिंग के चांस कैसे कम हुए, क्या कम हुए, क्या सच्ची में सीट ब्लॉकिंग नहीं होगी इस बार, ठीक है। और उन्होंने बोला कि बाकी जो चीज़ें हैं ये सब चीज़ें प्रोविजनल है, कि रिजल्ट का रेट, ठीक है, टेंटेटिव है, थोड़ा चेंज भी हो सकता है, ठीक है। और जो शेड्यूल है राउंड 3 का, वो आपका 8 तारीख के बाद आएगा, जैसे मैं बता रहा हूँ 12 से 15 के बीच में ही आ सकता है, इससे पहले तो नहीं लग रहा। तो ये था गाइस आपका पूरा IP का नोटिस, ठीक है, जो मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया 1 by 1। बाकी मैं नोटिस आपको शेयर कर दूंगा कम्युनिटी पोस्ट पर, तो आप वहाँ से ले लीजिएगा नोटिस, ठीक है। तो गाइस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब कर देना, ऐसी वीडियो बनाने के लिए मेहनत लगती है, और मैंने आपको नीचे लिंक दिए गए हैं, तो आप उसमें लिंक को आप जाके मेरे साथ इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम के ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।